हेलो फ्रेंड, दिस इज साक्षीर एंड वेलकम बैक अगेन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अमारा राजा बैटरीज। इसके हम बाइंग लेवल और टारगेट्स को देखेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और इसकी क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, लेट्स चेक आउट माय वीडियो। सबसे पहले हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखते हैं। अमारा राजा क्वार्टर फोर प्रॉफिट राइजेज 38% टू रेट 189 करोड़। अमारा राजा बैटरीज का जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी PAT, वो 38% राइज हुआ है। जो पिछले साल पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था, PAT था, वो 137 था और जो अब राइज होकर क्वार्टर फोर के रिजल्ट में 189 हो गया, यानी ये 38% राइज हुआ है। इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो अमारा राजा बैटरीज का स्टेटमेंट है कि पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 1581 से राइज होकर 2103 करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम इसके आज के ग्राफ को देखेंगे तो देखिए, इसने 5% से ज़्यादा का जो लॉस दिखाया है। अभी ये जो चल रहा है वो 743 का चल रहा है। अगर हम इसके 1 month के ग्राफ को देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3% का लॉस दिखाया है, 3% की गिरावट दिखाई है। इसमें इसका सबसे हाई जो था 826 था और सबसे लो 756 था। अगर हम इसके 1 year के ग्राफ को देखेंगे तो इसने 29.37% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। सबसे हाई इसने जो लगाया था वो 1000 से ऊपर था, सबसे लो यहाँ पर 500 तक का है। अगर हम इसके मार्केट कैप देखेंगे तो देखिए, इसका मार्केट कैप 13,375 करोड़ है। ये एक मिड कैप कंपनी है। ये अगर इसके पी रेशियो देखेंगे तो 20.68 है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 42.93 है, जो हमें इससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। आरओ यहाँ पर 16.45% है, जो बहुत ही अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 37.87 है। डिविडेंड यील्ड इनका यहाँ पर 1.28% है, जो बहुत ही अमेजिंग है। RSI और MACD की बात करेंगे तो देखिए गाइस, RSI यहाँ पर 32 की है और इसकी लाइन अभी नीचे की तरफ शो हो रही है। MACD देखेंगे तो MACD और सिग्नल लाइन दोनों ही जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रही हैं। हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे नेगेटिव शो हो रहे हैं, तो ये दोनों ही ग्राफ में वीक शो हो रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो स्टॉक अभी तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद इसमें प्रेशर बना है और आज के दिन इसमें 5% का लॉस देखने को मिला है। देखिए, ये हमें अभी और ज़्यादा एक्टिवेटिक प्राइस में मिल रहा है। इस स्टॉक को हम जितना ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूचर में ही हमें फ़ायदे कमा कर देखा। देखिए, जिन लोगों ने ऊपर की तरफ यानी 760 पर इसे बाय करके रखा है, 760 के आसपास जिसने भी इन्हें बाय करके रखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना पैनिक करने की ज़रूरत है। वो लोग 700 के पास इसे एवरेज कर सकते हैं। वहां पर एक अच्छा सपोर्ट पहले भी स्टॉक बना चुका है 700। यहां देखिए आप, 700 के पास स्टॉक पहले भी सपोर्ट बना चुका है, तो 700 के पास हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक को 700 के पास जाने से पहले एक पेविट सपोर्ट भी फेस करना पड़ेगा जो 730 का है। यहां पर 730 पर एक पेविट सपोर्ट है, तो 700 के पास जाने से पहले उसे इस सपोर्ट को फेस करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक 700 के पास आएगा तो बहुत अच्छी एट्रैक्टिव प्राइस पर मिलेगा और हम यहाँ पर एक बेहतरीन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो टारगेट्स में लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आप 1000 को लेकर चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म टारगेट में आप 852 का लेकर चल सकते हैं। ये दोनों ही टारगेट आपके लिए सूटेबल रहेंगे। मैंने भी इस स्टॉक को बाय किया है, हम सब मिलकर इसको होल्ड कर रखेंगे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।